हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। अभी अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जीटीयू के वेबसाइट पे, जीटीयू के एग्ज़ाम न्यूज़ के रिलेटेड। ये आप देख पा रहे हैं कि 22/7 मतलब आज ही के दिन का ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर रिमीडियल एंड स्पेशल टर्म एक्सटेंशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पीजी कोर्सेज। तो अभी तक आपको पता होगा कि एमटेक के सभी सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या एक बड़ा न्यूज़ आया है कि पीजी कोर्सेज में जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट रेमेडियल और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ रहा है। तो चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। University has decided to implement the merit-based progression for students studying in intermediate semester of all the PG courses. तो PG courses मतलब कि जो भी मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं GTU में, उनको इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए सबके लिए मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया गया है। यानी आपको अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन आपको दे दिया गया है फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट। यूजी के कोर्सेज वालों के लिए पहले ही ये डिसीज़न ले लिया गया था, तो अब पीजी कोर्सेज के लिए ये डिसीज़न लिया गया है कि सारे एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुके हैं और आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा फॉर दी पीजी कोर्सेज। फिर लिखा है ऑल्सो इट इज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन फॉर रेमेडियल और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ पीजी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा किसको, रेमेडियल और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट वालों को भी जो पीजी कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया गया है। देन रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट इंटरमीडिएट सेमेस्टर रिमीडियल एंड स्पेशल टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज और हर रिजल्ट obtained through the merit based progression can opt to appear in university examination afterwards. तो यहाँ पे भी आपके लिए एक स्कोप रखा गया है। अगर आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम दे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप बाद में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सो यही था आज के सर्कुलर में। सो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ पीजी कोर्सेस वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दिया गया है। क्योंकि अभी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा दबाव में चल रहे थे, क्योंकि UGC के गाइडलाइन आने के बाद सबको एग्ज़ाम लेने को कहा गया था, लेकिन इन्होंने इंटरमीडिएट वालों को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया गया है। यहाँ पे GTU की तरफ से ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो आपको अगर ये खबर न्यूज़ पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।